आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट। आज के टॉपिक में आप लोगों को वर्धमान का वाटर पंप दिखाऊंगा, जो कि नया मॉडल रिलीज हुआ है। किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत फायदेमंद है। इससे जो है, इस वाटर पंप से बहुत ज़्यादा पैसे की अर्निंग कर सकते हैं। देख सकते हैं, वाटर पंप अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी वाली इस्तेमाल की गई है। भाई साहब, मानना पड़ेगा इनका टेक्नोलॉजी अच्छा है, और ये वाटर पंप जो है बहुत खास है, क्योंकि 1000 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी देता है। बहुत ज़बरदस्त है, और इसका जो है दिखने में छोटा है, 14,500 रुपये का पड़ रहा है सिर्फ। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम खरीदें, तो बैंक द्वारा भी खरीद सकते हैं, ईएमआई के जरिए भी। तो बहुत ही अच्छा है वर्धमान का। वर्धमान के वेबसाइट पर जाइए, vardhmanindustries.com, ये है वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर जाइए, आप लोग खरीद लीजिए इसका जो है। यानी आरपीएम की बात करें तो 3600 आरपीएम का होता है, और ये एचपी की बात करें तो 4 HP, 5 HP, 3.6 HP, और जो है 7 HP, हर तरह के वाटर पंप मिल जाते हैं। 4 स्ट्रोक का होता है, और इसमें जो है ऑयल जो है, जो बहुत सारे इंजन में होते हैं, ऑयल ज़्यादा खपत होती है। तो यहाँ पर इस वाटर पंप में ऑयल जो है 1 घंटे में करीबन 250 से 300 ग्राम जो है ख़त्म होता है। इन्होंने डिज़ाइन जिस हिसाब से किया है, अभी नई कंपनी है, नया इनका स्ट्रक्चर है, और बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि वर्धमान का खरीद लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और इंजन के सीसी की बात करें तो 296 सीसी है, 79 सीसी है, और 306 सीसी का इंजन मिल रहा है। बहुत ही अच्छा है, आप जिस हिसाब से खरीदेंगे, ठीक है। इनका तो 14,500 रुपये का GP10 है, याद रखना। और इनका जो नेम है जी नेक्स, पेट्रोल वाटर पंप है, पेट्रोल से चलने वाला है। देख सकते हैं इमेज में, इनका चित्र भी अच्छा है, दिख रहा है, तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस वाटर पंप का जब इतना अच्छा लुकिंग दिया गया है, तो इसमें जो है सेल्फ स्टार्टिंग का भी दिया गया है। रेड कलर में बटन है, आप उसे चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यदि कुछ गड़बड़ भी होता है, मटेरियल तो मटेरियल जो है ऑनलाइन मिलता है दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो ऑनलाइन सामान मिलते हैं। और वर्धमान का जो है अभी लॉन्च हुआ है, तो इनके जो है जितने भी वाटर पंप हैं नए टेक्नोलॉजी वाले इस्तेमाल हुए हैं, ध्यान रखना। जैसे फार में हो गया, हैरो में हो गया, वैसे उस हिसाब से पंपिंग सेट भी चल रहा है। आप इनको ट्रैक्टर के जरिए भी लेके जा सकते हैं, चला सकते हैं। ये वाला वाटर पंप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, 1,25,000 का है। इससे क्या कर सकते हैं, दो तीन काम कर सकते हैं। एक तो पंपिंग सेट का भी काम कर सकते हैं, दूसरा जो है कोल्हू चला सकते हैं, तीसरा जो है आटा चक्की चला सकते हैं, चौथा जो है इसे और कृषि का एग्रीकल्चर वाला, जैसे कि मड़ाई हो गया, कटाई हो गया, वहाँ भी काम कर सकता है। तो ठीक है, 686 सीसी का है, 3000 आरपीएम मिल रहा है, और ऑयल कैपेसिटी जो लिक्विड का होता है 1.6 लीटर का होता है, और वज़न की बात करें तो 66 kg का होता है। तो आप लोगों को ये वाला इंजन पसंद आ रहा है तो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से बताया जा रहा है और जिस हिसाब से इंजन के बारे में सिखाया गया हमें, वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। पैसे की बात करें तो पैसे यहाँ पर बहुत यानी लो लगता है, और कमाई की बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों को ये वाला वर्धमान का वाटर पंप ख़रीदना अच्छा है, क्योंकि इन लोगों ने मिल के बहुत एक मजबूत कंपनी बनाया है। एयर कूलर डीजल डीजल वाटर पंप देख सकते हैं, 53,120 रुपये का है। कोहिलर डीजल इंजन KD, इसका मॉडल नंबर है KD441, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, KD441। इनका ग्राफ देखा जाए तो बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने सेल कर दिया। महीने में करीबन 1000 वाटर पंप से भी ज़्यादा सेल करते हैं। और ये वाला वाटर पंप की वजन की बात करो तो 45 किलो का होता है, और इंजन का बात करो तो 441 सीसी का होता है। आरपीएम की बात करो तो 3000 का होता है। बहुत ही अच्छा है, यानी समझ लो पैसे का पेड़ है, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को मार्केटिंग भी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वर्धमान का वाटर पंप ज़बरदस्त है, ठीक है।
तो जिन्होंने ख़रीदा है वर्धमान के वाटर पंप, उन्होंने रिव्यू भी अच्छा दिया है। इनका रिव्यू देखा जाए तो 5.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है। ये कोहलोर पेट्रोल इंजन है, ESH, और इसका मॉडल नंबर है 265, और 17,500 रुपये का मिल रहा है। ध्यान रखना, अभी के टाइम पे ऑफ़र भी चल रहा है, तो आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो अभी यही टाइम है, ख़रीद लीजिए। नहीं तो बाद में बोलोगे कि हमें 8,000-10,000 का वाटर पंप दिखाइए, तो उस समय नहीं मिलता है, तो क्योंकि उस समय रेट और बढ़ चुका होता है। आप इसको इससे जो है बहुत दूर तक काम कर सकते हैं। जैसे कि इस वाटर पंप को एक जगह पे यूज़ कीजिए, कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आसपास पानी लेके जा सकते हैं, ठीक है। और गहराई की बात करूँ तो 70 फुट, 80 फुट और 120 फुट तक नीचे से पानी उठा सकते हैं। इसका इंजन का सीसी की बात करें तो 196 सीसी है। आरपीएम की बात करें तो 3600 आरपीएम मिल रहा है, क्योंकि पावर भी ज़्यादा दे रहा है। ऑयल कैपेसिटी की बात करूँ तो 0.6 है, और फ्यूल कैपेसिटी जो होता है 3.3 लीटर का होता है। इसका वजन का बात करूँ तो बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर है, 16 kg का होता है, ठीक है। और ये इंजन का हॉर्स पावर जो है 6.5 HP का है। तो आप लोगों को ये वाला वाटर पंप पसंद आया है तो ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वर्धमान ने बहुत ही पासा पलटा है, क्योंकि हर कंपनी का नंबर काटने की वजह से इन लोगों ने इतना रेट नीचे डाउन कर दिया, और इतना छोटा इंजन बनाया और उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा दे दिया। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वर्धमान के वाटर पंप ज़रूर खरीदें आप लोग। यदि छोटे किसान हैं तो भी अच्छा है, बड़े किसान हैं तो उनके लिए और अच्छा है, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से इंजन का डिज़ाइन किया है, इंजन का मॉडल निकाला है, अभी तक किसी कंपनी ने निकाला नहीं है। किर्लोस्कर हो गया, होंडा हो गया, ये लोग पीछे छूट गए, ठीक है। और इनका पार्टी की बात करें तो पार्टी भी बहुत ज़बरदस्त है, मजबूत है। इन लोगों ने मिल के एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाया है, तो आप लोग ज़रूर सहयोग करें। जिसको भी वाटर पंप ख़रीदना है तो हमारी वीडियो को जो है शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी इस वाटर पंप के बारे में जान सके। सिंपल में स्टार्ट होता है, और चोक भी होता है, शॉट ऑफ होता है, कंट्रोलिंग सारा सिस्टम दिया गया होता है, ठीक है। और इसका मॉडल बात करूँ तो RH265 है। AHP की बात करूँ 6.5 है, 196 cc मिल रहा है, 3600 RPM मिल रहा है। स्ट्रोक की बात करूँ तो 4x54 mm का मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में जितनी भी यानी गणना की जाए बहुत ही कम है, ठीक है। ये वाला वाटर पंप तो आप लोगों का बहुत ही यानी लाभदायक है। यदि खरीदना चाहते हैं तो यही वाला वाटर पंप खरीदिए, अभी टाइम है, ऑफ़र भी चल रहा है। तो आप लोगों को आगे भी वीडियो में मैंने बताया है बहुत सारे वाटर पंप के बारे में। यदि और अलग वाटर पंप ख़रीदना चाहते हैं, होंडा हो गया, किर्लोस्कर का हो गया, उषा कंपनी का हो गया, तो अभी पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया था, वहाँ पर जाइए, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए ख़रीदना कौन सा है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये डीजल फॉर इफॉर्ट स्टार्ट इन द इलेक्ट्रिक इरीगेशन, यानी इलेक्ट्रिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बैटरी का भी सिस्टम दिया गया है, और जो इंजन है वो होंडा कंपनी का दे दिया गया है, ठीक है। और जो डीजल की टंकी होती है, पेट्रोल की टंकी होती है, 10 से 12 लीटर की होती है, बहुत ही अच्छा है, हाथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई पार्ट्स ख़राब होता है तो उसका पार्ट्स जो है आजकल ऑनलाइन पे मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है या अमेजोन पे मिल जाता है। इसका पंखड़ी हो गया, ज़्यादातर रिस्की होता है, जो भी वो चीज़ आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं सारे सामान, तो आप लोगों को अलग से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जल्दी ये ख़राब होने वाले नहीं है सिस्टम, क्योंकि बहुत अच्छे वाटर पंप है, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहेंगे दोस्तों। और आप लोगों से यही विनती करूँगा कि वर्धमान का थोड़ा वेबसाइट पे जाके चेक कर